पर अभी हम उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के आह्वान के ऊपर आज सारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके एक एक नेता को बारी बारी घर घर जेल में डाला जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि एक ही बार सभी को जेल में डाल दो। आज मैं अपने सारे साथियों के साथ, अपने सारे नेताओं के साथ, अपने सारे विधायकों के साथ, अपने सारे सांसदों के साथ मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम सब लोग वहाँ पर आएंगे और मेरा निवेदन है कि हम सबको एक ही बार में जेल में डाल दिया जाए, बार बार जेल में ना डाला जाए। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि उनको सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी थी, लेकिन उनको जो है चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी साजिश के तहत उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, निजी सचिव थे वैभव, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है जो ये स्वाति महिवाल जी का जो ये कांड हुआ है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप के वीडियो में फंसाकर उनको गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि बड़ा सौभाग्य था कि वो अरविंद केजरीवाल जी उस दिन घर के बीच में उपलब्ध नहीं थे, नहीं तो ये सारे के सारे जो घटनाक्रम था, जो ये कोशिश की गई थी, ये अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश की गई थी, लेकिन केजरीवाल उस दिन जो चुनावी प्रचार के बीच में रैली में थे, इस करके जो स्वाति महिवाल का जो एक उद्देश्य था वो उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई। पहले तो एक बार ऐसा लग रहा था कि जो स्वाति महिवाल के साथ हो रहा है वो एक बहुत बड़ी जाति हो रही है और जो वैभव ने किया है ये बहुत गलत है। संजय सिंह जी का भी एकदम, जो सांसद है राज्यसभा के, उनका भी एकदम जल्दबाजी के बीच में बयान आया कि वैभव के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब सीएम हाउस से कुछ एक वीडियो निकल के आई, कुछ फुटेज बाहर आई, तो उसमें देखा गया कि स्वाति महिवाल जो है वो लोगों के साथ वहाँ पर जितने सिक्योरिटी स्टाफ थे, महिला सिक्योरिटी स्टाफ थे, या जो दिल्ली पुलिस थी, या जो वहाँ पर वैभव जी थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि भाई ये धंधे में तेरी नौकरी खा जाऊंगी। जब इस प्रकार की वीडियो बार आई तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है। आज इसी को लेकर आज केजरीवाल जी ने यहाँ पर एक आह्वान दिया है कि सारे के सारे जो उनके नेता है आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर ऑफिस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस को लगा दिया गया है, ताकि यहाँ से आगे जो है केजरीवाल अपने साथियों के साथ इस पॉइंट से आगे ना जा सके, ताकि जो केजरीवाल जो है थोड़ी सी दूरी के ऊपर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वहाँ तक के लोग ना पहुँच सके। अब देखना है कि थोड़ी देर के बीच में यहाँ पर पार्टी कार्यालय के बीच में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ थोड़ी देर में आएंगे, यहाँ पर आके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जो उनके साथी जितने यहाँ पर एमएलए और एमपी आए हैं उनके साथ जो इस तरह को कूच करेंगे। देखना है कि वो जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये बैरिकेड लगाया गया, क्या इस बैरिकेड को पार कर पाएंगे। यहीं तक ही उनका जो जो यात्रा, जो मार्च है उनका, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाना, वो यहीं तक जाकर सीमित रह जाएगा। कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी के हर एक जो नेता है, कार्यकर्ता, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, सभी लोग गिरफ्तारी देने आए हैं, गिरफ्तार कर लो। हाँ जी, सभी लोग गिरफ्तारी देने ही तो आए हैं। हाँ जी, इकट्ठे गिरफ्तार कर लो। हाँ जी, तो आपका कहना है कि सर जो ये जो स्वाति महिवाल के द्वारा जो आरोप लगाया गया है निराधार है और ये जो एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी चाल है। सत्येन जैन को गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब तो ये मुद्दा नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, इनका तो गिरफ्तारी अभियान चल रहा है अलग अलग। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, कह रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं जो आदसी को गिरफ्तार करेंगे। तो जब सबको तुम्हें गिरफ्तार करना है भाई, तो अभी इकट्ठे हम आ गए, सबको गिरफ्तार कर लो। जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी कि वो देश में जाकर जगह जगह प्रचार करे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश है कि भारतीय आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी जो आम आदमी पार्टी जो चुनाव में जुटी है, जो गठबंधन के लिए केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, तो सर क्या ये इसका परिणाम है जो ये स्वाति महिवाल द्वारा जो ये कांड हुआ सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ वर्षों की कुल कोशिश यही रही है कि किश्तों में से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके उनसे उनका दफ्तर छीन के बेसिक पर के आरोप लगा के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर दिया, मुक्ति मिला दिया।
ये लंबे समय से प्रयास चल रहा था। आज हम सब विधायक यहाँ पे, सारे सांसद, सारे मंत्री और सभी पार्टनरशिप के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। भाजपा की वो जो कोशिश है उसको आसान करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा है यहाँ पे। अगर भाजपा को ये गफलत है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके बेबुनियाद आरोपों में उनका दफ्तर सीज करके, उनका अकाउंट सीज करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर सकते हैं, तो ये गफलत एक बार में दूर कर ले। हम सब लोग गिरफ्तार करके देख लें कि क्या हमारी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नाम की जो विचारधारा देश में फैली हुई है क्या वो खत्म हो जाती है। और अगर हम 30 मिनट में भाजपा को गिरफ्तार नहीं करते इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की पराजय मानी जाएगी। इसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार के डर से बौखला के 20 रुपये के आरोप लगा रहे थे, ये संदेश जाएगा। हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय स्वीकार करने की दुआ यहाँ आएगी, हम सबको गिरफ्तार करेगी और एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी की बेबुनियाद गिरफ्तारियों के बावजूद आम आदमी पार्टी नाम की चाहना खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक की यही पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र को जो है उसमें बदल दिया गया छावनी में। देखिए अगर मोदी जी में हिम्मत होगी तो आप सबको गिरफ्तार करवाएंगे। हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं कि जिसको चाहे आप गिरफ्तार कर लीजिए, हम कोई गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, देश को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैम जैसे कि लगता है कि ये तो स्वाति मालीवाल जी ने जो आरोप लगाए हैं निराधार है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी तरह से भी लोकसभा के चुनाव से दूर हो जाए। पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, अब एक नया शोषा और छोड़ दिया गया स्वाति मालीवाल वाला। सर क्या किसे देख रहे हैं आप, आपको ये क्या षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी कार्यकर्ता या बड़े नेता उनको जेल में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जय हिंद साथियों, जैसा कि हमारा एक ही विरोध है शुरू से, जो ये तानाशाही है हम ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये पलट लिया है कि मोदी रूपी जो ये तानाशाही है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही तरीके से हमारे ऊपर फर्जी बुलेटिन में चला है, चाहे कितने ही तरीके से नए नए कांड लेके आए। जनता सब समझती है कि अरविंद केजरीवाल भारत के लाल अरविंद केजरीवाल है और उनके साथ पूरी दिल्ली है। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जैसे कि अभी आज यहाँ पर धरना दिया गया है और केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि भाई एक ही बार सबको गिरफ्तार कर लो, बार बार क्यों? तो सर क्या आपको लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है केजरीवाल जी को उनके कार्यालय तक जाने देगी? ये सब चीजें सांकेतिक होती हैं, इसका एक मैसेज होता है जनता के लिए। हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं, हम सब केजरीवाल जी को जितना दबाएंगे ये लोग, हम सब उसका केजरीवाल जी का साथ देंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे रोड पे हो चाहे जेल में हो, तो जहां भी वो रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। हमारा एक ही फंडा है कि अरविंद केजरीवाल जी किसी भी तरीके से मोदी जी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर इस बार कौन आ रहा है लोकसभा, किसके पक्ष में? लोकसभा 100% इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह से बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, हर जगह से जब सीटें कम होती आ रही हैं, चाहे हरियाणा हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, यूपी, इवन यूपी में पहले 62 सीटें थी, अब ये 50 से नीचे आएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे हर तरीके से सीट कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से या मैं कहूँ केजरीवाल जी के हिसाब से भी 200 से ज्यादा सीटें किसी भी तरीके से बीजेपी की नहीं आ रही। निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक संदेश दिया गया भारतीय जनता पार्टी को कि यदि उनको गिरफ्तार करना है, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना है, तो एक एक करके ना करें। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ सारे जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया। आम आदमी पार्टी कार्यालय के थोड़ी दूर तक 100 मीटर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहाँ पर बैठकर सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाए और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम लोग दोषी हैं, आम आदमी पार्टी दोषी है, तो उनके नेताओं को आज यहाँ पे गिरफ्तार करने, एक एक करके गिरफ्तारी ना की जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरेंद्र कौशल, दिल्ली।